हमें पता है कि गूगल ने एक अपना मोबाइल का फॉर्मेट लॉन्च किया जिसका नाम एम पी है यानी कि एक्सीटेड मोबाइल पेजेस गूगल ने ये एक्सीटेड मोबाइल पेजेस फ़ेसबुक की एक फ़ीचर के तहत अपना फीचर एक लॉन्च किया फ़ेसबुक का फीचर था इंस्टेंट आर्टिकल्स के नाम पे जिसमें आप फ़ौरन क्लिक करते हैं तो आपकी एकदम से एक आर्टिकल मोबाइल के ऊपर ख़ुद ही खुल जाता है इसी तरह से एम भी मोबाइल का एक वर्जन है जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट होस्ट कर लेता है और जब चूँकि गूगल आपकी वो असेंशियल पार्ट्स यानी कि सिर्फ वो वो पार्ट्स होस्ट करता है जो ज़रूरी हैं और जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल उसको फ़ोन डिलीवर कर देता है सो so एक बिजली का जो निशान है वो आपको उससे सर्च रिजल्ट नजर आता होगा जब आप गूगल में सर्च करते होंगे तो असल में वो एम सपोर्टेड वर्जन होते हैं इस पर हम पहले बात कर चुके हैं तो आपको ए इंप्लीमेंट करना है और वेबसाइट पे ये एक अच्छी एस सी की स्ट्रेटजी है अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड और आपकी जो है वो एक्सेसबिलिटी वो हर्ट होगी और जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एस सिर्फ मार्केटिंग के अंदर फॉल नहीं करती एस बेसिकली टेक्निकल एस भी है और यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए तो so आपको इस एम के टूल पर जाकर आप एक वेडेटर है ए का जिसको यूज़ करते हुए आप अपने कोड का अपनी वेबसाइट का कोड वैलीडेट कर सकते हैं अगर आपको किसी डेवलपर ने वेबसाइट बना के दी है और आपने चेक करना है कि आया वो ठीक है या नहीं है अगर आपको क्लाइंट ने वेबसाइट दिया है आपको चेक करना है कि उसमें वो एम सपोर्टेड है या नहीं है आप जाएंगे वैलिडेटर पे और जाके अपना जो सबमिट करेंगे और वो आपको रिव्यू करके बता देगा कि ये कितना सपोर्टेड है अगर नहीं सपोर्टेड तो उसमें क्या क्या ईश्यूज़ हैं मैं आपको अभी लाइव एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ए को वैलिडेट कर सकते हैं ए एम पी वैलीडेटर के तहत ए एम पी की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको ए एम पी में गूगल जो पिच करता है वो कहता है कि जी बिल्डिंग द फ्यूचर वेब टुगेदर सो बेसिकली एम पी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो सिर्फ गूगल का नहीं बल्कि हर जो है वेबसाइट या हर सर्च इंजन इसको अडॉप्ट कर सकता है गूगल ने इसको एज एन ओपन सोर्स जो है वो लॉन्च किया है आप इसके टूल्स पर जाएंगे ऊपर मेन्यू में तो आपको सबसे पहले ए एम पी वैलीडेटर नजर आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जो कि वैलीडेटर डॉट एम पी प्रोजेक्ट डॉट ओ आर जी यानी कि ये एम पी का वैलडेटर है यहाँ पर आप बेसिकली अपना यू एल पब्लिश करेंगे जिसमें मैं डिजी सीस की वेबसाइट को रिव्यू करना चाहूँगा मैं इसके यू एल को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपना HTML फॉर्मेट मुझे एम पी टेस्ट करना है मैं एम पी टेस्ट करूँगा और उसके बाद उसको वैलीडेट कर दूँगा जैसे मैं उसको वैलिडेट करूँगा गूगल उसको वैलुएट करेगा मेरे कोड को उसने लोड किया यहाँ पर उसमें सारा कोड अपने पास लोड करके देखा है उसके बाद उसने मुझे बताया कि वैलिडेशन स्टेटस जो वो फेल हो चुका है और इस फेल होने का मतलब ये है कि मुझे एम पी सपोर्टेड नहीं है मेरी वेबसाइट और ये भी कि वो गूगल यहाँ तक ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे नीचे उसने लिस्ट कर दिए हैं ये एक चेक लिस्ट है जो कि आपके डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो इसको ठीक करने के लिए एक एक चीज़ें पकड़ेगा उसको ठीक करेगा जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये एम पी फ्रेंडली वेबसाइट आपकी हो जाएगी तो आप इसको जहाँ पर दोबारा टेस्ट करेंगे तो आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा तो आपने अपने डेवलपर से यही कहना है कि मुझे ये एम पी वर्जन चाहिए तो जब वो बनाएगा उसको आप ख़ुद भी टेस्ट कर लें अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको बताएं वो तो दोबारा ठीक करेगा अगर उसने बोला उसने ठीक कर दिया और फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसको ये दिखाना है ताकि उसको ये पता चले कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसने कैसे ठीक करना है पे स्पीड की तरह एम पी वेरीडेटर भी आपको वही बताता है कि आपकी वेबसाइट ए एम पी सपोर्टिड है या नहीं है हमें अपनी वेबसाइट एम पी करनी है क्योंकि ये एक नेक्स्ट फॉर्मेट है ये गूगल का बड़ा प्रेफर्ड फॉर्मेट है मोबाइल में अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो मोबाइल का मोबाइल के लिए आपको मोबाइल व्यू देना ज़रूरी है तो एम पी से बेहतर अभी तक कोई मोबाइल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आप अपनी वेबसाइट को एम पी सपोर्ट करें आपको ख़ुद का बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस है क्लाइंट से बात करें अपने डेवलपर से बात करें किसी भी तरह से ए एम पी को इंप्लीमेंट करवाएं ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी ऊपर आ सके उसमें ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी स्पीड इंप्रूव होगी बल्कि डिलीवरेबिलिटी भी इंप्रूव होगी क्योंकि आपका कंटेंट एम के तहत गूगल अपने पास होस्ट करता है और वो अपने सर्वर से सर्व करता है तो हमारी होस्टिंग भी जो है उसका भी लोड कम हो जाएगा अल्टीमेटली जो एम uh, है उससे हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी और रैंकिंग बढ़ेंगी सो so, आप ये सब टूल्स यूज़ करें और स्पेशली एम को यूज़ करने के लिए आप अपने डेवलपर को रेफरेंस दें सो पे स्पीड और एम दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं कर सकेंगे इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एस का काम Uh, सारा काम एस का जो है वो एस सी प्रोफेशन नहीं कर सकते बहुत सारे काम डिज़ाइनर डेवलपमेंट टीम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि हमें ये चाहिए जैसे आपको क्लाइंट कन्विंस होगा आप उसके डेवलपर से बात करेंगे उसको बताएंगे कि भाई ये इशूज़ हैं इसको फिक्स करना है जैसे वो फिक्स करेगा उसको आप दोबारा टेस्ट करें अगर पास हो गया है इसका मतलब ये कि ये टास्क आपका क्लोज़ हो गया